तो फ्रेंड ये रहा ISP का बोर्ड और ये रहा UFI बॉक्स। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ISP कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, सीखते फ्रेंड आपको जो वायर है ISP वाला उसे करीब से पहले कंफर्म कर लेना है सही जुड़ा है कि नहीं। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, ये डाटा केबल को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है और फ़ोन को जो है बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। करने के बाद मैं UFI बॉक्स में से लगा दिया हूँ। फ्रेंड हम लोग चलते हैं पहले लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को जो UFI बॉक्स का EMC टूल जो है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। और ये UFI बॉक्स का जो डाटा केबल मैंने निकाल के रखा हुआ है उसे हम लोग इन करेंगे तो ये मेरा जो UFI बॉक्स है पूरा ओपन हो जाएगा। तो मैं नीचे इन किया और चार्जिंग का भी डाटा केबल हमें लगा देना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट EMC पे क्लिक करके आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे मेरा सब कुछ जो है EMC पूरा ओके है। और उसके बाद क्या करना फ्रेंड, हम लोग को यूज़र डाटा में जाना है। उसको यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा MISC करके, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे MISC देख सकते हो, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इसका डाटा जो है इरेज कर देना है। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो डाटा जो है वो इरेज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं। ये जो फ्रेंड मेरा जो है AMC का जो डाटा जो फंसा हुआ था वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मैं माइंड टेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड मेरा जो AMC एकदम ओके है और मैंने इरेज MISC जो फाइल है उसे हमने इरेज कर दिया है। तो फ्रेंड हम लोग को यहाँ से डाटा केबल इसे रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आराम से इसे हम लोग को बोर्ड को निकाल के ISP को आराम से रिमूव कर लेना है। उसके बाद मैं आपको ऑन करके भी दिखा दूँगा।
फ्रेंड मैं इसका आईएसपी को रिमूव करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसका जो आईएसपी है उसे रिमूव कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसे इन करके ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ मेरा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक से जो बटन है वो वर्क नहीं कर रहा। तो फिर अभी जो मेरा फ़ोन है रियलमी लिखा के आया है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते इसको। जैसे तो फिर यहाँ पे वाइपिंग डाटा प्लीज वेट यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी जो मेरा फ़ोन है अब फॉर्मेट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं मेरा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं होता। तो फ्रेंड मेरा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप सॉफ्टवेयर भी ट्राई कर सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर से नहीं होता है तो आपको ये मेथड ट्राई करना पड़ेगा। तो मेरा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है और मैं इसे सेटअप करके भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड मेरा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है, सेटअप भी मैंने कर लिया। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।